एक शिक्षक के गरिमा पद पर होते हुए अगर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो दूसरी लाडली बेटियों का रक्षक कौन रहेगा। मामला मंदसौर जिले के शामगढ़ थाने का है, जहां 18 दिसंबर की रात्रि को एक महिला द्वारा शामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे पड़ोस में रहने वाले जो कि शासकीय कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर आसीन है, पहले मुझसे कई दिनों से फोन के द्वारा अश्लील बातें करते थे। मेरे मना करने के बाद भी बार बार मुझे फोन किया करते थे। शनिवार रात्रि मैं घर पर अकेली थी, इसका फायदा उठाकर प्रोफेसर ने बुरी नीयत से मेरे साथ छेड़छाड़ की और जैसे तैसे घर से भागकर वह शामगढ़ थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज करवाई। शामगढ़ थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति ने बताया कि महिला की रिपोर्ट पर आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ 354 के तहत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर कार्यवाही जारी है। 18 मई की रात को एक महिला रेखाबाई भावर के द्वारा यहाँ थाने पर आकर रिपोर्ट की गई, क्योंकि पड़ोस में रहने वाले एक बच्चे शंभू सिंह भरिया जी, उनके द्वारा लगातार उनको फोन से एवं अन्य माध्यम से छेड़खानी की जा रही थी एवं एक बार इनके द्वारा घर में भी जाकर छेड़खानी की, उसके बाद रिपोर्ट की, उसमें प्रकरण पंजीकृत कर लिया गया। सर, इसमें किन धाराओं का प्रकरण किया गया? छेड़खानी की धाराओं में प्रकरण पंजीकृत किया गया 354 के अंतर्गत। सर, जो आरोपी उसको प्रोफेसर भी बताया जा रहा था, किस कॉलेज का, इसमें कुछ नॉलेज है सर? चूँकि इसकी जानकारी अपने पास नहीं है, ये बात जानकारी में आ रही है, आरोपी जो है कहीं प्रोफेसर है। सर, आपका नाम? कमलेश प्रजापति। शासकीय कॉलेज में एक प्रोफेसर का छेड़खानी का मामला सामने आया, उसके विषय में क्या कहना चाहिए? आदरणीय महोदय, ये आपसे ही मुझे ज्ञात हुआ है, इसलिए मैंने पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल सोनी साहब को फ़ोन लगाया और जो शामगढ़ में सेकंड व्यक्ति है प्रिंसिपल के बाद, उनको फ़ोन लगाकर जानकारी ली कि घटना सही पाई है, इसलिए मैंने उनको निर्देशित किया है कि आप अपने विभाग को जानकारी दें और जो जानकारी का जो भी पत्र ऊपर भेजते हैं उसकी कॉपी कलेक्टर मंसूर को दें, नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सर, 354 लगने के बाद इस प्रकार का शिक्षक घिनौना काम करता है तो कहाँ तक बच्चियाँ कॉलेज में सुरक्षित रह पाएगी? आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा मानवता को झकझोरने वाला है कि निश्चित रूप से यदि बच्चियों के कॉलेज में ऐसा होता है तो गलत है, परंतु ये मैन टू मैन डिफर होता है, उनके द्वारा किए गए कृत्य के लिए निश्चित रूप से वो सजा के योग्य है और हर व्यक्ति को, हर समाज के वर्ग को इस मामले में बहुत सजग होना चाहिए कि हमारा और हमारे परिवार का, हमारे समाज का चरित्र कैसा होना चाहिए। आपका नाम? आप मुझे परिचित हैं, राम प्रसाद वर्मा, अपर कलेक्टर। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मंदसौर से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। मैं हूँ सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।